Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Ma'am. So, we were discussing chapter 2 of science, and chapter name is microorganisms. है ना? अब next topic हम इसके अंदर पढ़ेंगे. हमने पढ़ा था कल जो some importance microorganisms जो है वो हमारे लिए किस तरह से beneficial है, ये सब हमने पढ़ा था. तो anybody can tell me किस तरह से beneficial है? Good morning. Good morning बेटा. किस तरह से beneficial है Angel? क्या बता सकते हैं? कल हमने पढ़ा था, उसका revision बताइए. Yes ma'am. किस तरह से microorganisms हमारे लिए beneficial हो सकते हैं? मैम वो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, कर्ड को भी है ना जमाने में हेल्प करते हैं. मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. यस मैम. और इसके एग्जांपल्स क्या थे? कौन सा बैक्टीरिया था? एक नाम मैम राइजोबियम बैक्टीरिया. यस राइजोबियम बैक्टीरिया. चैतन्य सेकंड बताइए किस तरह से और किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है कल्टीवेशन करने के लिए. तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. ठीक है. और कैसे यूजफुल होते हैं? इंडस्ट्रीज वगैरह में हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? फर्मेंटेशन के लिए है ना, ब्रेड बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, है ना? तो फर्मेंटेशन का यूज करते हैं. और फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, बैक्टीरिया, यीस्ट, है ना? और हमने और यूज पढ़ा था कि कर्ड भी हम किस तरह से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. तो कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? मैम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है. और हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है और यीस्ट है वो हमारे लिए फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं. जैसे कि हम इडली बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ड. तो उसके अंदर हम फर्मेंटेशन करके ही इन ये जो फूड आइटम्स हैं वो बनाए जाते हैं इनके अंदर फर्मेंटेशन करके. सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस. क्या बताया था? डेफिनेशन क्या बताई थी? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. ओके. नाउ मेडिसिनल यूजेस में क्या बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं. हाँ, एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज किए जाते हैं. तो ये क्या किए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होते हैं. लेकिन क्या होते हैं? क्योंकि मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं और मैं उनको किल भी कर देते हैं. यस, किल भी कर देते हैं. तो ये क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज होती है. मतलब ये डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना? ये एक तरह से हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है उनकी हेल्प करती है कि है ना डिजीज से फाइट कर सके, है ना? जो बाहर से हमारे अंदर बैक्टीरिया हमको हमारी बॉडी के अंदर जाकर और हमें डिजीज देते हैं तो उनको स्टॉप कर देते हैं एंटीबायोटिक्स. तो इसके डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन. The source of these medicines is microorganisms. मतलब ये जो antibiotics किससे बनाए जाते हैं? ये microorganisms की help से बनाए जाते हैं. These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. तो ये जो microorganisms होते हैं ये क्या करते हैं? Disease-causing जो microorganisms हैं उनको या तो मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, या फिर उनकी growth को रोक देते हैं. तो इसलिए इन मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स. और इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन एंड एरिथ्रोमाइसिन.
ये कुछ एग्जांपल्स है, जिस तरह से पेनिसिलिन वर्क करता है वैसे ही ये सारे एंटीबायोटिक्स हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर हमें कभी भी बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक्स हमें दिए जाते हैं इनके फॉर्म में। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या रीड किया था कि जो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका को डिस्कवर किया था, किसकी डिस्कवरी की थी? मैम पेंसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मार्क इन योर नोटबुक। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए भी यूजफुल होते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूजफुल होते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब इनको भी दिए जाते हैं, अगर इनको कोई भी बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक्स का यूज प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो यूज करते ही करते हैं हम, है ना, तो इनके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या था, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है जब कोई भी आउटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करने वाला है, कोई आउटर बॉडी हमारी बॉडी के फाइट अंदर करती है। एंटर कर जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए, उससे फाइटिंग करने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ओके, आया समझ में एंटीबॉडीज क्या होती है? यस मैम। हाँ, यस द मैम। बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर्स अगेन। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन टू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो इस तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर वीक माइक्रोब्स को भी इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसी किसी बीमारी के वीक माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, जो अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर उसके उसी बीमारी के अगर स्ट्रांग वाले माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है उससे लड़ने के लिए। तो फिर अगर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर भी अगर वो डिजीज हमारे अंदर होती है, उसके माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी जानती है कि उस डिजीज के माइक्रोब से कैसे लड़ा जा सकता है ना। तो ये हम प्रोसेस जो है हमारी बॉडी जो है, इसीलिए ये जो वैक्सीन है वो इसी तरह से वर्क करती है। वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक, हाँ, वीक माइक्रोब्स है किसी भी डिजीज के, वो हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं वैक्सीन प्रोसेस जो होता है वैक्सीनेशन में। और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। और फिर इन फ्यूचर अगर कोई भी उसी बीमारी से रिलेटेड माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी है और हमारी बॉडी जानती है हाँ कि किस तरह से उस बीमारी से फाइट करना है। तो हम जैसे कि इसीलिए जैसे बहुत सारी डिजीजेस है जिनकी वैक्सीन हमें लगाई जाती है, जैसे ट्यूबर क्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, है ना, इनको इन सबको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वैक्सीन लगाई गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये अगर इसकी इन इन डिजीजेस के जो माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में एंटर भी होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या बीमार नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि किस तरह से उससे फाइट करना है। ओके, यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट है, देखिए इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आपको बुक में मार्क करना है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? आप जब छोटे थे तब मतलब जो आपको वैक्सीन्स लगाई जाती थी उसका एक कार्ड बना हुआ होता था कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन्स लगनी चाहिए, है ना, जो कि आपके पेरेंट्स एक प्रिपेयर करके रखते थे कि हाँ ये हमारे बच्चे को ये इस एज में ये वैक्सीन्स लगनी है ना, होता है ना, देखा है आपने छोटे बच्चे को वैक्सीन लगवाने जाते हैं, कार्ड बना हुआ रहता है।
ना उसके अंदर सारे वैक्सीन की लिस्ट होती है कि कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन से ईयर में उस बच्चे को लगनी है. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स. यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी न्यूज पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. तो Pulse Polio program में जो drops पिलाई जाती है वो भी एक तरह की vaccine ही होती है जिसके through जो polio है, polio की जो बीमारी है उसका रोकथाम किया जाता है. ठीक है, तो अब तो Pulse Polio की जो program है वो इतना powerful हो चुका है कि अब हर जगह पे पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स है वो पिला दी जाती है. तो अब बच्चों में पोलियो की बीमारी नहीं देखी जाती है क्योंकि ये खत्म हो गई है. ओके, ठीक है. आप देखिए क्या है नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है आपकी. नेक्स्ट है How can microbes increase soil fertility? Microorganisms किस तरह से soil fertility को increase करते हैं? By the help of by doing nitrogen fixation. है ना, nitrogen fixers जो होते हैं जैसे rhizobium bacteria, इसके बारे में हमने पढ़ा कि rhizobium bacteria है, ये सब क्या करते हैं environment से nitrogen लेते हैं और जो सॉइल में प्रोड्यूस प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैरी करके और सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका. नेक्स्ट है आपका हार्मफुल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है ना. आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. तो इस चैप्टर में यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल मतलब हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे एनिमी भी है कि हमें हार्म भी पहुंचाते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फॉर पैथोजेंस. इनको क्या कहा जाता है जो हमें बीमारियां देते हैं, इन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस. और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, ये क्लोथिंग को, लेदर को, इन सब को स्पॉइल कर देते हैं. अब इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे. तो ये जो हमें ह्यूमन बीइंग्स को जो भी डिजीजेस देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही पैथोजेंस. एंटर आर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर. हार्मफुल जो अगर हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो ये कि हमारे लिए कैसे हार्मफुल हो सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैथोजेंस. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस. पैथोजेंस कहेंगे. और हाउ कैन दे एंटर इन आवर बॉडी, क्या किस तरह से एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी में. मैम फूड, एयर, वाटर और फूड. हाँ, ब्रीथ. हाँ, एयर के साथ. ठीक है, जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं उसके साथ, या वाटर के साथ जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसके अंदर हो सकते हैं ये माइक्रोब्स, और या फिर जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि हमें बीमार बनाते हैं. तो इस तरह से ये जो माइक्रोब्स है या पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड, वाटर और ब्रीथ के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. नेक्स्ट है कि अगर दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. और ये क्या होते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे कि किसी को सर्दी जुकाम होता है,
ना, तो उसको क्या बोला जाता है कि आप अपने माउथ नोज इनको कवर करके रखिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, है ना, और अगर वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, एयर में होंगे, और फिर अगर वही एयर हम इनहेल करेंगे, कोई जो सही व्यक्ति है जिसके जिसको कोई बीमारी नहीं है वो इनहेल करेगा, तो फिर वो भी बीमार हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर नॉर्मल पर्सन को ये पास ऑन होते हैं तो वो भी बीमार हो जाता है। और इन डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल डिजीजेस बोलते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इसको आप मार्क करेंगे इसकी डेफिनेशन को, और क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो माइक्रोबियल डिजीजेस, यहां से मार्क करेंगे पूरा बुक के अंदर, माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। और फिर इसके एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बीमारियां अगर आपके घर में किसी को भी अगर कॉमन कोल्ड है या कॉलेरा है या चिकन पॉक्स है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है ना, और उसकी यूज की हुई चीजों को यूज नहीं किया जाता है ताकि कि वो बीमारी स्प्रेड ना हो। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉमन कोल्ड होता है और वो छींकता है, खांसता है, तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या उसके जो ड्रॉपलेट्स के अंदर होते हैं वो बाहर आते हैं छींक से, या सांस हम छोड़ते हैं बाहर या खांसते हैं, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर उसी कोई हेल्दी पर्सन अगर इनहेल करता है ब्रीथिंग के साथ तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है और उसको भी कोल्ड वगैरह या खांसी वगैरह हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैरियर्स, जो इंसेक्ट्स वगैरह है या एनिमल्स वगैरह है वो भी इन डिजीज़ के कैरियर हो सकते हैं, मतलब वो खुद बीमार नहीं होंगे, मे भी वो किसी और को बीमारी दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं? देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। वेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स। हूएवर ईट्स द कॉन्टेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट स्टिक। अब देखो, जो गंदगी होती है उसके ऊपर हाउस फ्लाई अगर बैठती, मक्खी बैठती है, तो उसके पैरों पे वो पैथोजन्स चिपक जाते हैं बीमारी के, है ना, और फिर वो जब हमारे खाने पे बैठेंगे, है ना, तो और उस खाने को हम उसको खा लेंगे तो क्या होगा, वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर बेकार जाएंगे, है कर ना, और फिर हम उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स भी हमारी ये जो बीमारियां, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बीमारियां है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस को फैलाने का काम करती है। पैथोजेंस जो डिजीज देते हैं वो फैलाने का काम करते हैं, तो इनको हम कैरियर्स बोलते हैं। और जैसे कि मलेरिया है ना, और दूसरा एग्जाम्पल है कैरियर का, जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है? एक पैरासाइट कैरी करती है मलेरिया का। ठीक है, एक मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, ओके, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और
एडीज मॉस्किटो एक्स एस कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब इसमें अलग अलग देखो, फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या कैरी करता है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया मलेरिया कैरी करता है, मलेरिया और इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फीमेल एडीज अलग अलग है, फीमेल एनोफिलीज तो मलेरिया कॉजिंग इंसेक्ट और फीमेल है एडिस ना, और फीमेल डेंगू एडीज मॉस्किटो क्या है, किसका कैरियर है, डेंगू 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 वायरस का। मतलब अगर डेंगू बीमारी हो रही है किसी भी इंसान को तो वो होगी किस, फीमेल एडिस फीमेल एडिस एडीज मॉस्किटो से। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको, यहां से आप पूरा मार्क कर लीजिए। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कौन सी बीमारी देती है हमें, मलेरिया मलेरिया। और फीमेल एडीज मॉस्किटो कौन सी बीमारी देती है, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस। ओके, तो ये यस आप मैम। दोनों अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना फीमेल एडीज और फीमेल एनोफिलीज में। ये आ सकता है एप्टी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट बोले जा रही हो वो मार्क करते जाइए अपने बुक में। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वॉटर, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट रीड इट। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वॉटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वॉटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स टायर्स फ्लावर पॉट। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब मॉस्किटोज कहाँ पे डेवलप होंगे, जहाँ पे फ्रेश वाटर भरा हुआ रहेगा, पानी भरा हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना है कि पानी को भरे नहीं रहना है, रहने देना है अपने आसपास कहीं पे भी। कहीं पे भी अगर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है तो उसको आपको क्लीन कर देना है, जैसे कूलर्स वगैरह होते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहिए, ताकि कि उसमें मॉस्किटोज ब्रीड ना कर पाए, डेवलप ना हो पाए। नहीं तो अगर मॉस्किटोज डेवलप होंगे तो वो हमें डेंगू या मलेरिया की बीमारी दे सकते हैं। लेकिन हमारे अगर आसपास मॉस्किटोज होंगे नहीं तो हमें ये बीमारियां होंगी ही नहीं। तो इसलिए ज्यादातर ये जो डेंगू या मलेरिया की बीमारियां कब होती है, बारिश के मौसम के आसपास में। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या हो जाता है, नदी नाले भरे हुए रहते हैं, हमारे कूलर्स वगैरह में पानी भर जाता है, या फिर कोई पानी ऐसे बर्तन जाता है। हैं जो कि खुले पड़े हैं, छत पे पड़े हैं, तो उनमें पानी भर जाता है, गमलों में पानी भर जाता है, और वो कंटिन्यूअसली भरा ही रहता है, तो उसपे क्या करते हैं, मॉस्किटोज डेवलप हो जाते हैं और फिर वो हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये जो है ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है कि किस तरह से कोई भी बीमारी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, किससे वो बीमारी फैलती है और ये किस तरह से फैल सकती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, कॉन्टेक्ट से हो सकता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, किस तरह से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, तो अगर पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट रखना है पड़ेगा उसके लिए। आइसोलेट रखने का मतलब क्या है कि उसको बिल्कुल अलग एक रूम में रखिए। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में क्या होता है कि किसी अगर कोई बीमार इंसान है तो उसको बिल्कुल अलग आइसोलेट करके रखा जाता है, ताकि कि किसी और को ये बीमारी ना हो, क्योंकि कांटेक्ट से फैल रही है ना ये बीमारी। तो ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरी जो एक पूरी लिस्ट है इसके अंदर पूरे ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स फैलता है आपका वायरस से, और एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलता है, और ये भी एयर और कॉन्टेक्ट से फैलता है चिकन पॉक्स हो, और एयर और वाटर से फैलता है पोलियो। कॉलेरा फैलता है बैक्टीरिया से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर या फूड। मतलब अगर हम जो पॉल्यूटेड वाटर है या जो खाना है वो अगर हम लेते हैं तो उससे ये कॉलेरा फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। हेपेटाइटिस ए वायरस, वायरस से, और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है, मतलब वाटर के थ्रू ही फैलेगा, ये एयर के थ्रू नहीं फैलेंगे। टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये वाटर के थ्रू ही फैलेंगे, ये एयर के थ्रू नहीं फैलेंगे।
मलेरिया है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मॉस्किटो के थ्रू, मतलब मॉस्किटो कैरी करता है इसको। मॉस्किटो अगर बाइट करेगा तभी हमें मलेरिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वाटर या एयर के कांटेक्ट में आने से हमें मलेरिया नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस बीमारी से बचना है, मलेरिया से बचना है, तो हमें मॉस्किटोज से दूर रहना है, मॉस्किटोज हमारे आसपास ना हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स नेक्स्ट डे। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके, बाय बाय मैम, एवरीवन, ओके मैम, आप बाय भी। मैम, थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। ओके बेटा, एक मिनट वेट फॉर।